हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो बनाना है उसका स्पेशल हमारा मकसद ये है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को किस तरह से बढ़ाया जाए। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में और स्पेशली हमारे देश में इंडिया में कोरोना वायरस की महामारी जो फैली हुई है उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और हॉस्पिटल्स की अगर हम हालत देखने जाएं तो वेंटिलेटर वाले बेड, ऑक्सीजनेटेड बेड नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं कि जिन लोगों ने अपने सेंटर्स शुरू किए हुए हैं जहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई वो लोग दे रहे हैं, और अब ये कंडीशन हो चुकी है कि प्राइवेट में भी कहीं पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। और स्पेशली हम देखने जाएँ तो कोविड-19 की वजह से जो डेथ रेशियो है वो 100 में से एक या दो लोगों का होता है, लेकिन अभी की जो कंडीशन है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई लोगों को ना मिलने की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। काफी सारे लोग घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो आज हम इस वीडियो को जो बना रहे हैं उसका स्पेशल मकसद ये है कि हमारे शरीर में हम आयुर्वेद की मदद से और आयुर्वेद की कौन सी ऐसी दवाइयां हैं कि जिनका सेवन करने की मदद से आपके शरीर में हम ऑक्सीजन को नेचुरली कैसे बूस्ट करें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है और कोरोना वायरस का टेस्ट जिनका पॉजिटिव आया है, जो लोग घर पे रहकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को रेगुलर अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करते रहना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से अप है, मतलब के 95 से अप है, तो आप घर पे रहकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ साथ भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और आप अकेला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मैं आपको बताऊं, आपके ऑक्सीजन लेवल को ठीक करने के लिए आप कौन सी दवाई ले सकते हैं। आप दवाई का नाम लिख सकते हैं त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति रस ये टैबलेट फॉर्म में आती है। त्रिभुवन कीर्ति रस की आपको सुबह, दोपहर और शाम दो दो टैबलेट को उसका पाउडर कप करके डायरेक्ट जीभ पे रख के उसका सेवन करना है। जिन लोगों का ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से ऊपर 96-97 ऐसा रह रहा है, वो लोग त्रिभुवन कीर्ति रस की टैबलेट का पाउडर करके उसको डायरेक्ट मुंह में रख के उसका सेवन करेंगे तो उनका ऑक्सीजन लेवल अप रहेगा और ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये हम डे बाय डे प्रैक्टिस में अभी पेशेंट्स को दे रहे हैं और उन लोगों में से जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद ही आपको ये बता रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है कि जो लोग कोविड-19 से पॉजिटिव है उन लोगों को अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा बूस्ट करने के लिए आधी चम्मच गुड़, तुलसी के चार पत्ते, एक लौंग, आधी चम्मच अदरक का रस और एक काला मिर्च, इतना डाल के उसको एक कप पानी में उबाल के आधा कप करके उसको आप सुबह खाली पेट उसका सेवन कर सकते हैं। ये काढ़ा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और शरीर में जो कफ जमा हो रहा है, फेफड़े में जो कफ जमा हो रहा है वो फेफड़े में से कफ निकालने का काम भी कर सकता है। दूसरा, आप लोग जब रात को सोएं तो रात को सोते वक्त स्पेशली प्रोन पोजीशन में, यानी कि पेट के बल सोए। पेट के बल सोने से आपके फेफड़े जो है वो अच्छी तरह से खुल पाएंगे, ऑक्सीजन जो अंदर में अच्छे से जा पाएगा। उसके अलावा छाती पे आपको क्या करना है कि नीलगिरी का तेल और सरसों का तेल मिक्स करके उसको थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक मिला के छाती पे अप्लाई करना है। उससे आपके फेफड़ों में आपकी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपका ऑक्सीजन लेवल बूस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बात की कि जो लोगों का ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से प्लस रह रहा है वैसे लोगों के लिए। अब जो लोगों का ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से नीचे जा रहा है, मतलब 94, 93, 92 ऐसा आ रहा है, तो वैसे लोगों के लिए मैं आयुर्वेद की कुछ आपको औषधियों के नाम बता देता हूँ। ये मार्केट में आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी। आपको इनको अच्छी ब्रांड की लेनी है, जैसे बैद्यनाथ है, दूध पापेश्वर है, या जंडू है, डाबर है, ऐसी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनकी लेनी है। आपको मैं दवाइयों के नाम बता देता हूँ। सबसे पहली दवाई है श्वास कास चिंतामणि रस, श्वास कास चिंतामणि रस। दूसरी दवाई का नाम है सुवर्ण वसंत मालिनी रस, सुवर्ण वसंत मालिनी रस। और तीसरी टैबलेट का नाम है महालक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस। ये तीनों गोली में से, तीनों में से एक 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 गोली को सिलेक्ट करना है। तीनों में से एक एक गोली सुबह और एक एक गोली शाम खाना खाने के बाद उसको भी आपको अच्छे से कूट के पाउडर करके डायरेक्ट जीभ के रख के उसका सेवन करना है। फ्रेंड्स, ये दवाइयों का अगर आप सेवन करेंगे 95 से जिनका ऑक्सीजन लेवल नीचे हो रहा है, मतलब 90 तक जिन लोगों का ऑक्सीजन जा रहा है
वैसे लोगों को इन दवाइयों का सेवन करना है। ये दवाइयां आपके अंदर बॉडी में जाके आपके जो फेफड़े हैं उसमें एयर कैपेसिटी बढ़ाएंगी, इसकी वजह से आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बूस्ट होगा। और ये आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध औषधियां है, सालों से ये औषधियों का इस्तेमाल हो रहा है। हम भी अभी COVID-19 पॉजिटिव में इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ साथ भी इन दवाइयों का इस्तेमाल करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दवाइयों का आप इस्तेमाल करें। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 से नीचे जा रहा है तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल में रहकर आपको ट्रीटमेंट करना है। हॉस्पिटल घर पे रहकर ट्रीटमेंट नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों का ऑक्सीजन अगर 93-94 तक रह रहा है, 92 तक रह रहा है, तो वो लोग इन दवाइयों का सेवन करके अपने ऑक्सीजन को घर पे रहकर ही अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं और हॉस्पिटल में जो लोग रह रहे हैं, वैसे लोगों को जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आईसीयू में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वैसे भी काफी सारे पेशेंट को हम स्वास्थ्य का चिंतामणि रस, सुवर्ण वसंत मालिनी रस और महालक्ष्मी विलास रस, ये तीनों औषधियों का पाउडर करके उसको जीप पे हम डायरेक्ट दे रहे हैं सबलिंगुअल, तो उसके उससे भी उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ कि ये आज आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छा लगा होगा। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पेशेंट में इम्प्लीमेंट करके उनसे रिजल्ट ली हुई है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन का फायदा ले और अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं, ताकि अभी जो लोग ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने की वजह से जिन लोगों की डेथ हो रही है, वैसे लोगों की हम जिंदगी बचा सके। आज हमारा पूरा देश कोरोना वायरस की इस महामारी से गुजर रहा है और हमें पता है कि हमारे आसपास सब जगह पे हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है। शायद हो सकता है कि मेरे ये वीडियो में जो बताया गया मैसेज है वो काफी सारे लोगों को काम लग सके। और इसके अलावा एक और चीज आप लोगों को जरूर से करना है, आपको स्टीम जरूर लेना है। स्टीम एक बहुत बढ़िया और रामबाण इलाज है। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा सौंठ डाल के पानी में उसका गर्म पानी का स्टीम लेना है। सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 2 या 3 बार आपको कम से कम 5-5 मिनट स्टीम लेना है। स्टीम लेने का तरीका यह है कि आप 15 बार नाक से सांस लेकर मुंह से सांस छोड़े और 15 बार मुंह से सांस लेकर नाक से सांस छोड़े। इस तरीके से करने से आपका एक बार का स्टीम खत्म होता है। इस तरह से आप दिन में 3 बार खाली पेट स्टीम ले। स्टीम लेने से आपको, आपका ऑक्सीजन लेवल तुरंत अच्छा होगा और आपकी फेफड़े में जो कफ जमा है वो भी बाहर निकलेगा और आपको बहुत कंफर्टेबल और रिलीफ महसूस होगा। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।